फाइनली आ गया है मिर्जापुर का सीजन 2, जिसका बहुत सारा था इंतजार, और इस सीजन को देख के बहुत सारे फैंस कहने वाले हैं ओ भाई मुझे मारो क्यों कहने वाले हैं? ये आप पूरा वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा। नमस्ते, शशिकाल, आदाब, कैसे सबके हाल चाल। मैं नमन जैन आपके लिए लेकर आ गया हूं मिर्जापुर सीजन 2 का रिव्यू, और इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं पूरी स्टोरी और हमारी थ्योरी कहां बैठी थी जो हमने फैन थ्योरी बनाई थी लास्ट वीडियो। अगर आपने नहीं देखा तो टॉप कार्ड पे देख लो, और अगर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि और भी मिर्जापुर की बहुत सारी अपडेट्स आपके लिए हम लोग लेकर आने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले सीजन की बात कर लेते हैं, सीजन 2 की, और बात करते हैं इसके बारे में क्या अच्छा गया, क्या गलत गया, क्या स्टार रेटिंग इसकी मैं दूंगा, और क्या फैंस की उम्मीदों पे खरा उतरा है कि नहीं। सबसे पहले शुरू करेंगे स्टोरी से। तो भाई स्टोरी इस सीजन की कुछ ऐसे है कि वहीं से आगे बढ़ रही है जहां से सीजन पहला खत्म हुआ था। गुड्डू अपने स्ट्रगल में है, और पहला एपिसोड आपको बताता है सारे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन, कि सारे कैरेक्टर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, मुन्ना की लाइफ में क्या चल रहा है, कालीन भैया की लाइफ में क्या चल रहा है, गुड्डू की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं स्पॉयलर बिल्कुल भी नहीं दूंगा इस रिव्यू में। और सारे कैरेक्टर्स के बारे में बताता है, गुड्डू के माँ बाप के बारे में और उसकी बहन के बारे में, गोलू के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, तो सब कुछ आपको पहले एपिसोड में देखने के लिए मिल जाता है। सारा कैरेक्टर एक बार आपको रिमाइंड हो जाते हैं कि कौन कैरेक्टर किस स्टेट में है, क्या वो कर रहा है। तो पहला एपिसोड यहीं से शुरू होता है, फिर कहानी आगे बढ़ती है और गुड्डू भैया अपना रास्ता बनाते हैं और एक अलायंस करते हैं। अलायंस किसके साथ करते हैं ये भी नहीं बताऊं क्योंकि स्पॉइलर नहीं दूंगा, ये हमने सही प्रेडिक्ट किया था अलायंस किसके साथ होगी अपनी स्टोरी में, फैन थ्योरी में, तो वो हमारी सही प्रेडिक्शन गई है। इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा थर्ड सीजन का, क्या रहने वाला है और क्या रहेगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, और क्या फैन थ्योरी है, तो ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो वहां से कहानी आगे बढ़ती है, मुन्ना अपना वही राग अलाप रहे होते हैं कि भाई उनको मिर्जापुर की गद्दी चाहिए, और उनको थोड़ा सा कंट्रोल कालीन भैया देने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर चुनाव आ रहे होते हैं और कालीन भैया चुनाव में लग जाते हैं, और वो सीएम के साथ और वहां पर लग जाते हैं जेपी दत्ता को छोड़ के, एमएलए जो जेपी दत्ता होते हैं लास्ट सीजन में आपने देखा होगा। तो वहां पर ये सारी स्टोरीज चल रही थी, और साथ में रति शंकर का बेटा शरद शुक्ला मुन्ना से दोस्ती कर लेता है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मिर्जापुर की गद्दी चाहता है, और वो मिर्जापुर में जो पैर रखना चाहता है वो मुन्ना के ऊपर पैर रखे उस गद्दी पे आना चाहता है, तो वो भी वहां पर जुड़ जाता है। साथ में जो तीसरा रोल है दद्दा त्यागी जो इंट्रोड्यूस हुआ था ट्रेलर में हमने देखा था, उनके बेटे हैं, और इसमें एक सरप्राइज भी है उनके बेटों के बारे में, वो भी आपको रिवील नहीं कर सकता सॉरी, क्योंकि आपको स्पॉयलर्स में बिल्कुल नहीं दूंगा। तो वहां पर आपको एक अच्छी चीज देखने के लिए मिलेगी, तो वहां पर उनके बेटे का भी अलायंस मुन्ना के साथ हो जाता है, और एक अलायंस रहता है गुड्डू के साथ यानी कि गोलू के साथ, तो वो क्या रहता है वो आप देख लेना कैसे होता है ये सब सीजन में। तो यहाँ पर स्टोरी चलती है और पूरा स्टोरी को लेकर आते हैं, और फिर एंड में क्या होता है यार ये मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि एंड का एपिसोड बहुत खतरनाक है, और एंड का एपिसोड अगर अच्छा नहीं होता मेरे हिसाब से ये सीजन अच्छा नहीं होता। तो एंड का एपिसोड जो हुआ है उसकी वजह से ही सीजन का एक ओवरऑल चीज़ें हमें देखने के लिए मिली हैं, और मेरे लिए थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन रहा सीजन को देख के कि हाँ ठीक है, अंत भला तो सब भला वाला सीन होता है तो वही रहा है। तो भाई इस सीजन के अब अच्छे बुरे के बारे में बताऊंगा, कहानी यही है कि आपको बस सारे कैरेक्टर्स अपने अपने काम में लगे हैं, अब कौन कामयाब होगा ये आप पूरा सीजन के एंड एपिसोड में पता चलेगा, और कामयाब होगा भी तो कितना होगा। तो भाई दूसरी तरफ जो मुझे इसके बारे में अच्छी चीजें लगी वो ये कि भाई एक्टर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है, डायरेक्शन भी सही से हुआ है, जो जो सीन डेवलप हुए हैं, जो उनका आप एक इंटीग्रेट हो जाते हो सीन्स के साथ, वो बहुत अच्छे से किया है। और जहां पर रेफरेंस पहले सीजन का चाहिए होता है, अगर किसी ने नहीं भी देखा है तो एक रेफरेंस आपको जरूर मिलता है वहां पर सीजन 1 का, तो एक रिमाइंडर भी रहता है मन में। सिचुएशंस और डायलॉग को ऐसे रखा गया है कि भाई पहले सीजन से आप जुड़ाव महसूस कर सकोगे उसका, तो वो बहुत एक क्लेवर डायरेक्शन और मैं कहूँगा कि राइटर्स की मेहनत थी कि उन्होंने ऐसे लिखा है सीजन की पहले सीजन का रेफरेंस पूरा रहता है और आप बिल्कुल रिलेट कर पाओगे। एक्टर्स ने मैंने बोला ही बहुत पर्टिकुलर एक सीन था जो तीसरे या चौथे एपिसोड में, जब वो अपने घर पर रोते हैं गुड्डू भैया जाकर अपने माँ बाप के साथ, ओहो क्या सीन है भाई साहब, इतना रियलिस्टिक सीन है वो कि मैं बता नहीं सकता, और भी ऐसे सीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो भाई मतलब पूरा ओवरऑल जो है एग्जीक्यूशन काफी सही है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो कमी मुझे लगी वो ये कि इस सीजन को थोड़ा सा स्लो कर दिया गया मेरे हिसाब से, या तो वो सीजन 3 को
और लाना चाहते हैं मिर्जापुर की कामयाबी के बाद, स्टोरी को बढ़ाना चाहते थे, तो सीन्स को थोड़ा सा स्लो किया गया। जो पहले सीजन की आपको मारधाड़ और जो भौकाल एक तरह से देखने के लिए मिली थी, वो इस सीजन में कमी दिखती है। और इस सीजन में सारे कैरेक्टर शांति से अपना काम करते हुए नजर आए, प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत नजर आई है, तो वो सब चीजें इस सीजन में देखने के लिए मिली है। खून खराबा उतना नहीं देखने के लिए मिला जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। हालांकि गुड्डू मुन्ना की टक्कर होगी या फिर क्या होगा वो चीजें आपको पता चलेगी। और हमारा एक और बहुत अच्छा प्रेडिक्शन सही रहा था स्टोरी के बारे में, तो वो मैं आपको जब स्टोरी प्रेडिक्शन लाऊंगा कि हमारा क्या सही रहा क्या गलत, वो आप उस वीडियो में देख लेना। मोस्ट प्रोबेबली वो हमारा एक और रिव्यू आने के बाद सेकंड वीडियो होगा जो मंडे या ट्यूजडे में हम लोग अपलोड कर देंगे। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार इसलिए कह रहा हूं कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि आप हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल हो पाओ। और अगर आप एक मिर्जापुर फैन हो तो आपको भी पता चल पाए सारी चीजें। तो भाई ओवरऑल मेरे लिए यह सीजन एक ऐसा सीजन रहा कि राइटर्स ने थोड़ा सा ना, जो मेकर्स हैं या फिर राइटर्स हैं जिन्होंने भी चाहा थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बनाने की कोशिश की इस सीजन को, और इस सीजन में डिटेल्स उतना ज़्यादा रिवील नहीं किया और इस सीजन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रैग कर दिया। 10 एपिसोड है, 50 मिनट का एक एपिसोड है, मतलब 50 मिनट से ऊपर ही है सारे एपिसोड, तो भाई आपको देखने में अच्छा खासा टाइम लगता है। मैं पूरी रात भर जग के इसको पूरा नहीं कर पाया था, तो भाई वो चीज़ भी है। और मैं इसको यार पूरा करके ही आपको देना चाहता था मैं और लोगों की, यार मैं ऐसी बात नहीं करूंगा पर ऐसा बहुत लोग करते हैं कि बिना देखे दे देते हैं रिव्यू। तो अगर ये किसी ने पूरा नहीं देखा तो उसको एंड का थ्रिल मजा ही नहीं आया, क्योंकि थ्रिल पूरा जो सीजन का जो स्टोरी बिल्डअप हुई है वो एंड के एपिसोड में ही सिमटी आके, तो ऐसा कुछ है। तो आप लोग पूरा जब देखोगे तभी आपको मजा आएगा, और हो सकता है आपको थोड़ा सा कहीं कहीं बोरिंग लगे बीच में, क्योंकि वो चीज़ मेरे को भी फील हुई है कि थोड़ा सा सीजन स्लो है और काफ़ी इसको स्लो किया गया पहले सीजन के मुकाबले। जो एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत हाई थी और उस एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ना कहीं हम लोगों को डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी फैंस को। और जो ट्रेलर था भाई, ट्रेलर इतना धांसू बनाया गया है ना, तो मैं यही कहूँगा कि भाई ये चीज़ पे बहुत मेहनत की गई है, इसके टीज़र ट्रेलर और वो सब चीज़ों पे कि हाइप बनाई गई है। लेकिन हाइप अगर उतनी नहीं बनाते और तब आप सीज़न देखोगे तो आपको सीज़न अच्छा लगेगा। तो मेरा यही वर्डिक्ट है कि भाई आप ओवरऑल सीज़न देख सकते हो, वॉचेबल है, और मैं इसको 3.5 स्टार दूंगा 5 में से ओवरऑल इसके परफॉर्मेंस के लिए, इसके इम्पैक्ट के लिए, डायरेक्शन के लिए, और जो हमारा बस स्लोनेस रहेगी उसके लिए स्टार जरूर कटना चाहूंगा। और जो एक दो चीजें कमी हमें लगती हैं सीजन में मारधाड़ की, तो वो चीजें हैं बस, अगर आप उनको कंसीडर ना करके एक ट्रू मिर्जापुर फैन की तरह देखोगे तो सीजन काफी सही है। और आप लोग थर्ड एक रॉकिंग सीजन एक्सपेक्ट कर सकते हो अगेन, क्योंकि थर्ड सीजन में भी काफी कुछ बचा है अभी देखने के लिए और बहुत सारी चीजें, मतलब मेरे हिसाब से थर्ड सीजन में खुलेंगी, हो सकता है वो फाइनल सीजन रहे। तो गद्दी पे कौन बैठा है मिर्जापुर की, या आप मिर्जापुर देख के ही पता लगाओ, और कौन है, क्या राज है, क्या कालीन भैया ही हैं या फिर कोई और बदल देगा गद्दी इस सीजन में, तो वो भी हम आपको बता देंगे, क्योंकि हमारी प्रिडिक्शन काफ़ी सही गई है। हमने जो स्टोरी प्रिडिक्ट की थी उसमें से बहुत सारी, मैं कहूँगा कि मेरी प्रिडिक्शन 80% सही गई है। तो वो क्या क्या सही गई, क्योंकि उसमें स्पॉयलर्स देने ही पड़ेंगे, तो वो मैं बाद में वीडियो लाऊंगा या ट्यूजडे में मोस्ट प्रोबेबली अपडेट करूंगा उस वीडियो के बारे में आपको। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ऐसे हमारे वीडियोज, और रिव्यू पसंद आया तो यार सब्सक्राइब करें बिना नहीं जाना है, और आपको जरूर सब्सक्राइब करना है, हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आते रहेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका भाई अंजय आपको एंटरटेन बिल्कुल करता रहेगा। तो चलता हूं अब मैं, जय ने नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।